Assalamualaikum नाजरीन, वेलकम टू द कुकिंग चैनल। मैं हूं आपका शेफ दानिश। आज हम आपको वो डिश बनाने जा रहे हैं जो इस मुल्क का पसंदीदा डिश है और हर बंदा एंजॉय करता है। तो गौर से देखिएगा क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे कि पाकिस्तान में पैसे कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही आसान डिश है पाकिस्तान में बनाना। सबसे पहले आप लेंगे अपनी गैरत और उसको तेज आंच पर गला दें। जब तक आपकी गैरत बिल्कुल गल ना जाए आप पाकिस्तान में पैसे नहीं बना पाएंगे। ये देखें कैसे बेगैरती के भाप निकल रहे हैं। अरे क्या रंग आ रहा है, मुझे तो 5000 का नोट भी दिख रहा है। इसके बाद आप छिड़केंगे थोड़ी सी लालच, दो चाय के चम्मच बेईमानी, आधा कप बेशर्मी और फ्रॉड डालना नहीं भूलिएगा। अगर आपको फिक्र है कि ये डिश आपके मेहमान खाएंगे नहीं तो परेशान ना हो, पाकिस्तान में पैसे खाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। पैसे खाने वाले आपको हर इदारे में मिलेंगे, हो सकता है आपके फैमिली में भी हो। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अवाम, इसको अच्छे तरीके से दबाएं। जितना ज्यादा अवाम को दबा सकते हैं उतना अच्छा है, बल्कि अवाम को तो कूटें। अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने तो अवाम को अच्छी तरीके से कूटें। अवाम को मतलब बिल्कुल निचोड़ दें, बिल्कुल जितना ज्यादा निचोड़ेंगे ना अवाम को उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। फिर हम लेंगे दो डब्बे तालीम के। अरे ये कहां से आ गए, सबको पता है कि अच्छे पैसे बनाने के लिए पाकिस्तान में तालीम की तो कोई जरूरत नहीं है, इसको फेंकें। अगर आप शेडी बिजनेसमैन या करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है और आप सैलरी क्लास हैं तो फिक्र नहीं करें, आप फिर भी पैसे बना सकते हैं। ये देखिए ये हैं बॉस, ये कितने सख्त हैं, इन पर आप मक्खन लगाते रहें वो नरम हो जाएंगे। अगर आप सेठिया कंपनी में काम करते हैं तो मक्खन का पूरा डब्बा लगा दे तो बेहतर है। और नाजरीन देखें हमारा डिश तैयार। ये देखें हमारे बनाए हुए काले पैसे का कैसा जेट ब्लैक कलर आ रहा है, बिल्कुल काला स्याह। अगर आपने ज्यादा पैसे बनाए तो जरूर अपने मोहल्ले में बांटिएगा, इससे ना सिर्फ बरकत होती है, कोई FIA को नहीं बताता। ओह लुक्स लाइक आई स्पोक टू सून, मुझे पुलिस सायरन की आवाजें आ रही हैं। अगर आपको ये पैसों का डिश छोड़ के भागना भी हो तो नो प्रॉब्लम, आप फ्रिज में स्टोर जरूर कर सकते हैं। बस याद रखिएगा स्विट्जरलैंड का फ्रिज इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मुल्क के बड़े बड़े चोरों ने स्विट्जरलैंड के फ्रिज में बहुत सालों से अपने पैसे रखे हैं और अभी तक कुछ फ्रीज नहीं हुआ है।